हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी विल लर्न स्टैंडर्ड सेकेंड सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट नंबर 1, फर्स्ट डे एट स्कूल। ये पोएम बहुत ही अच्छी है। ये बच्चा है जो स्कूल का अपना पहला दिन है। जब आप स्कूल पर पहले दिन जाते हो तब आपके मन में कौन कौन सी थिंग्स चल रही होती है वो इस बच्चे के माइंड में भी चल रही है, उसके बारे में ये पूरी पोयम बोली गई है। देर आर 4 स्टेंजा इन दिस पोयम। फर्स्ट वी विल लर्न पोयम्स हार्ड वर्ड। लेट्स सी, आपको मेरे साथ हार्ड वर्ड्स बोलने हैं। मैंने यहाँ पर निकाल कर रखे सारे हार्ड वर्ड्स, आपको भी मेरे साथ साथ हार्ड वर्ड्स बोलते रहना है ताकि आपको उसका प्रोनाउंसिएशन पता चल जाए। फर्स्ट वन है WONDER, वंडर। वंडर मीन्स सोचना, आश्चर्य, दोनों मीनिंग्स होते हैं वंडर के। ड्राइंग, DRAWING, ड्राइंग मतलब चित्रकारी। आप जो चित्रकारी करते हो ना उसे हम ड्राइंग कहते हैं। THEY, धे। धे मीन्स वो। JUST, जस। जस मीन्स उतना ही। STARES, tears। tears मीन्स घूरते रहना। TEACHER, टीचर। टीचर मीन्स जो हमें वो पढ़ाते हैं ना स्कूल में, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? टीचर। ओके। LOOK, लुक। लुक मीन्स देखना। GRAN, ग्रैन। ग्रैन मीन्स हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना, दादा दादी, वो। PUPPY, पपी। पपी मीन्स कुत्ते का बच्चा। GOOD, गुड। गुड मत अच्छा। THEIR, देर। देर मीन्स तेओ। MY, माय। माय मीन्स मेरा। WILL, विल। FIRST, फर्स्ट। फर्स्ट मीन्स पहला। DAY, डे। डे मीन्स दिन। SCHOOL, स्कूल। स्कूल मीन्स जो हम लोग जाते हैं ना पढ़ाई करने, उसे हम क्या कहते हैं? स्कूल। बराबर। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ सारे हार्ड वर्ड। WONDER, वंडर। DRAWING, ड्राइंग। THEY, धे। JUST, जस्ट। STARES, tears। TEACHER, टीचर। LOOK, लुक। GRAN, ग्रैंड। PUPPY, पपी। GOOD, गुड। THEIR, देयर। MY, माय। WILL, विल। FIRST, फर्स्ट। DAY, डे। SCHOOL, स्कूल। ऐसे ही आपको बोलकर ये सारे न्यू वर्ड्स लर्न कर लेने हैं चिल्ड्रन। लेट्स स्टार्ट आर पोयम यूनिट 1। लेट्स रिसाइट दिस पोयम। फर्स्ट डे एट स्कूल। ये पोयम 4 स्टेंजा में दी गई है और ये बच्चे के पहले दिन जो होता है स्कूल का उसके बारे में दी गई है। आपको भी बुक ओपन रखनी है एंड मेरे साथ ये पोयम बोलनी है और रीड करनी है, समझनी है। आई वंडर, आई रिपीट, आई वंडर, मैं सोच रहा हूँ, मुझे आश्चर्य हो रहा है। इफ माय ड्राइंग, कि अगर मेरा ड्राइंग, ड्राइंग मतलब जो आप चित्र ड्रॉ करते हो ना उसे ड्राइंग कहते हैं, विल बी एज गुड एज दैस। आप जो वो ये बच्चा सोच रहा है कि अगर मेरा ड्राइंग है वो उस स्कूल में बढ़ने वाले बच्चों के जैसा ही अच्छा होगा, गुड मीन्स अच्छा, वो सोच रहा है। सेकंड स्टेंजा, आई वंडर इफ दे विल लाइक मी। यहाँ पर दे के बाद एक साइन दिखाई दे रहा है ऊपर, उसे हम एपोस्ट्रोफी साइन कहते हैं, एपोस्ट्रोप साइन। और डबल है मतलब उसका फुल फॉर्म हुआ दे विल लाइक मी और जस्ट बी फुल ऑफ स्टेयर्स। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो आई वंडर मतलब मैं सोच रहा हूँ, इफ़ दे विल लाइक मी, अगर वो लोग मुझे पसंद करेंगे और जस्ट बी फुल ऑफ स्टेयर्स या घूरते रहेंगे।
जब कोई नया बच्चा आपके क्लास में आता है तो आप क्या कहते करते हो, पहले उसे देखते रहते हो ना कि कौन है कैसा है। तो ये बच्चा भी ये सोच रहा है कि ये मैं जब जाऊंगा स्कूल तो वो लोग मुझे, वो बच्चे हैं जो दूसरे स्टूडेंट्स, वो मुझे पसंद करेंगे या ओनली घूरते रहेंगे। थर्ड स्टेंजा, आई वंडर इफ माई टीचर विल लुक लाइक मोम और ग्रैन। आई वंडर, फिर से मैं सोच रहा हूँ, इफ माई टीचर कि अगर मेरी टीचर है विल लुक लाइक मोम और ग्रैन, कि मम्मी जैसे दिखेगी या ग्रैन मीन्स ग्रैंड पेरेंट, दादा दादी होते हैं वो, कि उसके जैसे दिखेंगे। मम्मी है वो हमें प्यार से रखती है, ग्रैंड पेरेंट्स भी हमें बहुत अच्छे से रखते हैं, तो ये सोच रहा है बच्चा कि जो मेरे टीचर है वो मुझे ऐसे ही ट्रीट करेगी मोम और ग्रैंड जैसी और वैसे ही दिखेगी। थर्ड फोर्थ स्टेंजा, आई वंडर, फिर से मैं सोच रहा हूँ, इफ माई पपी, अगर मेरा पपी है विल वंडर वेयर आई एम, वो सोचेगा कि मैं कहाँ चला गया, उसके घर पर एक पेट है। अगर मैं, वो बच्चा सोच रहा है कि अगर मैं स्कूल चला जाऊँगा तो मेरा पपी ये सोचेगा कि मैं कहाँ चला गया। ओके चिल्ड्रन, फिर से एक बार हम अच्छे से ये पोएम रीड कर लेते हैं। आपको घर पर ये पोएम अपनी बुक में से रीड करनी है और अच्छे से समझ लेनी है। आई वंडर इफ माई ड्रॉइंग विल बी एज गुड एज देयर्स। आई वंडर इफ दे विल लाइक मी और जस्ट बी फुल ऑफ स्टेज। आई वंडर इफ माई टीचर विल लुक लाइक मॉम और ग्रैन। आई वंडर इफ माई पपी विल वंडर वेयर आई एम। तो यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर दिए गए हैं मंकी के हैं, देख सकते हो आप। और यहाँ पूछा गया है, डू यू रिमेम्बर योर फर्स्ट डे एट स्कूल, कि आपको याद है जब आपका फर्स्ट डे स्कूल में था तो आप कैसा फील कर सकते, हाउ डिड यू फील, कैसा फील कर रहे थे, क्या अनुभव कर रहे थे आप। तो फर्स्ट वन है वो एंग्री है, शाय, एंग्री मतलब गुस्सा, आपको गुस्सा आ रहा था स्कूल जाने में, शाय फील कर रहे थे, शाय मीन्स आप शर्म, आपको शर्म आ रही थी। हैप्पी, हैप्पी मीन्स खुश होते आप लोग, या सैड, सैड यानी दुखी थे। तो मैं तो बहुत हैप्पी थी स्कूल जब गई तब, तो मैंने तो हैप्पी वाले में राइट किया है। आप जो फील करते हैं उस बॉक्स में आपको राइट कर देना है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू मेक यूजिंग लेटर्स फ्रॉम द वर्ड इन द पिक्चर वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पर हमें हिप्पोपोटामस का पिक्चर दिया गया है और उसके उसका स्पेलिंग भी दिया गया है। वो बड़ा वाला स्पेलिंग है, उसमें से हमें छोटे छोटे वर्ड्स क्रिएट करने हैं। तो मैंने अपने हिसाब से किया है, पोट, होट, टॉप, मैट, हिप, टू, एम, बराबर। आप अपने हिसाब से कोई भी वर्ड्स क्रिएट कर सकते हो और लिख सकते हो। नेक्स्ट पेज, कैरी इन योर स्कूल बैग, नाउ राइट द नेम्स ऑफ योर थिंग्स इन द बॉक्स बिलो। यहाँ पर हमें स्कूल बैग दिया गया है और उसके आजू बाजू हमें कुछ थिंग्स दिखाई दे रही है, तो आपको वो थिंग्स सर्कल करनी है कि आप स्कूल बैग में इनमें से कौन सी थिंग्स लेके जाते हो, और नीचे दिए गए बॉक्स में उसके नेम लिखने हैं। तो फर्स्ट ऊपर में हम देख सकते हैं रूलर। तो चिल्ड्रन, आपके कंपास बॉक्स में रूलर होती है, यस और नो? यस, तो रूलर हम ले जाते हैं। देन शार्पनर, तो हमारे कंपास बॉक्स में शार्पनर भी होता है, तो उस पर भी हम सर्कल करेंगे और नीचे बॉक्स में लिख डालेंगे। पेन, ऑलवेज हम अपने कंपास बॉक्स में पेन तो रखते ही हैं, तो पेन भी हमारे बैग में रहती है। इरेजर, इरेजर भी हमारे कंपास बॉक्स में रहता है, तो उस पर भी हम सर्कल करेंगे और नीचे बॉक्स में लिख डालेंगे। वाटर बॉटल, वाटर बॉटल हम बैग में रखते हैं नहीं, तो वाटर बॉटल हम नहीं लिखेंगे। फिर से ऊपर हम देख सकते हैं आइसक्रीम कोन, क्या स्टूडेंट्स आप आइसक्रीम को अपने बैग में लेके जाते हो? नहीं, तो हमें नहीं लिखना है। देन बुक्स, बुक्स हमारे बैग में होती है, यस, तो हमें बुक पर सर्कल करना है। टॉय, आप स्कूल पर अपनी स्कूल बैग में टॉय लेके जाते हो, घर से लेके जाते हो कभी? नहीं, टीचर हमें डांटती है, डांटती है ना, टॉय थोड़ी हम स्कूल बैग में लेके जाते हैं, तो टॉय भी हम नहीं ले जा सकते। पेबल्स, पेबल्स ले जाते हो बैग में? नहीं। पेंसिल, यस, पेंसिल हमारे कंपास बॉक्स में ऑलवेज रहती है। टिफिन, जो मम्मी हमें लंच बॉक्स, नाश्ता बना के जो टिफिन प्रिपेयर करके देती है, वो हम कहाँ रखते हैं चिल्ड्रन? ऑफकोर्स अपने स्कूल बैग में है ना,
तो वो भी हमारे स्कूल बैग में रहता है। यूनिट वन का चैप्टर नंबर 1 है, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।